अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक हमारा है ये है कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस हमने लास्टली पढ़ा था इनवॉइस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ एन इनवॉइस। इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमारा पहला कंटेंट है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन है, दूसरा है हेडर हमारे पास, तीसरा है डेटा इनवॉइस, नंबर एंड यूनिक आइडेंटिफायर, चौथा है हमारे पास लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिफ्थ वन इज़ टर्म्स एंड कंडीशंस, सिक्स्थ वन इज़ इटमाइज्ड फीस, सेवन्थ वन इज़ टोटल अमाउंट ड्यू। अब हम आगे देखेंगे कंटेंट्स ऑफ इनवॉइस के बारे में। जो पहला, अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कंपनी इन्फॉर्मेशन। कंपनी इन्फॉर्मेशन जो ये इंक्लूड करता है, हमारे पास करेक्ट नेम ऑफ द कंपनी होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, बिजनेस फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए। एक्यूरेटली ये मेंशन किया गया होता है किस पे, ऑन द टॉप ऑफ एन इनवॉइस पे। Also, the payer company and payee company is differentiated by labeling each of them. अब हमारे पास दो words आ गए, payer और payee. Payer वो होता है a person who pays the payment. Payee वो होता है a person to whom money is paid. जिसको पैसे दिए गए होते हैं वो payee होता है, जिस जो pay करता है उसको payer बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा point है header. Be sure to label the document as an invoice in the header. This way any confusion is minimized. जो header होता है जिस पे मतलब कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती है correctly, कंपनी नाम दिया गया होता है, एड्रेस दिया गया होता है, फ़ोन नंबर दिया गया होता है, जो भी confusions होते हैं वो minimize होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे। तीसरा पॉइंट हमारे पास है डेट, invoice number and unique identifier. With each invoice, the information about the company's respective payer and payee, date on which invoice is issued and the invoice number or any other unique identifier is given. देखो जो मतलब इनवॉइस हमारे पास होती है उस पर डेट भी होता है, इनवॉइस नंबर भी होता है, यूनिक आइडेंटिफायर भी होता है। जिस चीज़ से हम ये डिफरेंशिएट करते हैं एक बिल दूसरी बिल से, ये यूनिक होता है, हर एक इनवॉइस नंबर यूनिक होता है। यहाँ हम कोई दूसरा मतलब सीरियल नंबर दे देते हैं जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बिल दूसरी बिल से, विद डेट, विद इनवॉइस नंबर, विद यूनिक आइडेंटिफायर। नाउ वी आर ऑन डी पार्ट, लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आता है हमारे पास नेम, डेट, रेट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब प्राइस क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितने प्रोडक्ट्स लिए होंगे, नाम प्रोडक्ट का, डेट, वेट, सब कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। मतलब कौन सी मतलब लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस में मतलब चार चीज़ें हमारे पास आई, नेम, डेट, रेट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। नाउ फिफ्थ वन इज टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स ऑफ पेमेंट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑन इनवॉइस। स्टैंडर्ड पेमेंट कंडीशंस वेरी विद इंडस्ट्री, कंपनी प्रेफरेंस एंड रिलेशन विद द क्लाइंट। टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड करती है किस पे, कंपनी पे। इसने कैसी रिलेशन बनाई होगी अपने मतलब जो ये कस्टमर होगा हमारे पास, इसने कैसी रिलेशन बनाई होगी उसके साथ, ये उसी हिसाब से इसके साथ कंपनी उसके साथ पेमेंट की जो रिलेशन होगी इनको, वो वैसे इन्होंने बनाया होगा। टर्म ऑफ पेमेंट जो है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कंपनी और क्लाइंट के बीच में कैसी रिलेशनशिप होगी ये उसी पे डिपेंड करता है। एक इंडस्ट्री और कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, मतलब कि इनके पास क्या रूल्स होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वही अप्लाई होते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है टोटल अमाउंट ड्यू। द अमाउंट ड्यू शुड बी डिस्प्लेड ऑन द इनवॉइस। जो हमारे पास अमाउंट इस क्लाइंट के पास रहा होगा वो अमाउंट हमें डिस्प्ले करना है किस पे, इनवॉइस पे। अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड अबव, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, जो भी हमने इनवॉइस के बारे में देखा ऊपर, उसके बगैर हमारे पास इससे अलावा भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें कल को रिटेल ऑपरेशंस में ज़रूरत है। जैसे कि हमारे पास क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लाइंट के मतलब जो भी उसका स्टोर होगा उसका नाम होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, सब कुछ उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कल को हमें ज़रूरत है। जस्ट लाइक कि उसकी डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया, ज़्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की है, वो भी हमें पता होना चाहिए। जो टोटल अमाउंट ड्यू है वो इनवॉइस पे मेंशन ज़रूरी करना है, और जो हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम इस पे इनवॉइस पे इंक्लूड करेंगे वो भी हमें कल को रिटेल ऑपरेशंस में ज़रूरत आएंगी।